किसी तौर से उनके गले में गमछा डाल के सुंदर बाबा हमारे सुंदर बाबा कि प्रताप भैया को तिलक लगाकर जयकारे जिसमें समस्त श्रद्धालुओं अपना योगदान देते हैं एवं प्रजापति युवा साथी द्वारा प्रतिवर्षमाति इस वर्ष भी झंडे का आयोजन किया गया है जिसमें सभी युवा साथी अपना युवा साथी मिलकर अपना सहयोग प्रदान करते हैं। नाम उसका बता दीजिए। नाम अमन प्रजापति। बोलो जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये रहिए कि जो झंडे में जो नारियल बन के आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इस विषय में आप जानकारी दें। बोलो ना, बोलो ना, सब बताएं। हर वर्ष ही नारियल अधिक से अधिक संख्या में बनता है, हर लोगों की मान्यता यहाँ पर पूरी होती है। सिद्धनाथ महाराज द्वारा और प्रजापति समाज को छोड़ करके और किसी समाज का भी सहयोग अपने लाल मिट्टी गोपाल होटल से उठता है और सिद्धनाथ महाराज को अर्पित होता है। 18वीं वर्ष नाम है सोनू का। चमत्कार देखा गया है और इस सिद्ध बाबा महाराज लोगों को दर्शन भी दिए हैं। इस दर्शन में लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। इसी कारण से आज हमारे सिद्ध बाबा महाराज प्रसिद्ध हैं, जो लोगों की हर मनोकामना होती है पूरे। और लोग समय समय पर कुछ झंडा चढ़ाने आते हैं। आए दिन यहाँ पे एक ना एक कार्यक्रम भंडारे चलते रहते हैं निरंतर दादाजी की कृपा से और प्रजापति समाज की कृपा से भंडारे यहाँ निरंतर चलते रहते हैं। नाम बताया मुन्ना प्रजापति। सिद्ध बाबा मंदिर हमारे पूर्वजों ने 105 साल पहले इसको बनवाया था, जिसकी देखरेख प्रजापति समाज इस मंदिर की देखरेख करती है, रखरखाव करती है और इस समस्त पहाड़ी की जो 14 एकड़ में फैला हुआ है इसकी पूरी देखरेख 105 साल से प्रजापति समाज करती चली आ रही है। ये आप जो देख रहे हैं हरे भरे पेड़ जो देख रहे हैं, पेड़ पौधे देख रहे हैं, ये सब प्रजापति समाज के और यहाँ क्षेत्रवासी लोगों के सहयोग से इस मंदिर का यहाँ पर निर्माण हुआ और यहाँ पर इसकी देखरेख समाज के लोग करते हैं। बाबा जी को मंदिर के अंदर बिठाया जाता है, द्वारकाधीश से महाराज जी बैठे हुए हैं, उनकी जो भी सेवा बनती है वो प्रजापति समाज उनकी सेवा को पूर्ण करता है। और आप सभी लोगों के सहयोग से, हमारे दानदाताओं के सहयोग से, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिक बंधु उसमें शामिल रहते हैं,
वो लोग इसको सहयोग करते हैं और हम लोग इसका निर्माण करते हैं। हमारी प्रजापति समाज में सिद्ध बाबा मंदिर है, धर्मशाला है, प्रजापति समाज का तोला राम उस्ताद के नाम से अखाड़ा है, जो इसकी समस्त देखरेख समाज के लोग करते 105 साल से चले आ रहे हैं। आप सभी के सहयोग से कार्यक्रम हमारा संपन्न होता है। हमारे वरिष्ठ साथीगण यहाँ पर हीरा चक्रवर्ती जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमेशा ही इसको सहयोग प्रदान किया है और करते चले आए हैं, और आज भी वो एक पैर से यहाँ पर खड़े रहते हैं हमारे समाज को सहयोग करने के लिए। हमारे क्षेत्र के पार्षदगण रहते हैं, जो भी यहाँ पर पार्षद रहते हैं, जैसे कल्लू बाबा है, रमेश प्रजापति जी है, और भी अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रजापति समाज लाल माटी, मैं चौधरी हूँ, राम जी प्रजापति मेरा नाम है। ये भगवा रंग है ऋषि मुनियों और संतों का, ये भगवा रंग है ऋषि मुनियों और संतों का, हिंद के वीर बलियों का और महंतों का, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। ये वो रंग है जो जनक लली के मस्तक से आया है, ये वो रंग है जो जनक लली के मस्तक से आया है, जिसे अंजना के लल्ला ने चोले में रंगाया है, मुझे चढ़ गया भगवान रंग, मुझे चढ़ गया भगवान रंग। द्वारा हर वर्ष विशाल भंडारा किया जाता है और समस्त लोगों के द्वारा और साथियों के द्वारा, बड़े गुरुओं के द्वारा, सबके द्वारा इस समाज का सम्मान और हर चीज़ होता रहता है।